नमस्ते फ्रेंड्स, आर एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब भी हम पेंटिकल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की। पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा है सूट की जिसके बिना आपके काम नहीं बनते। हालांकि चारों एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन पेंटिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को कम्फर्टेबल बनाता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको स्मूथली, आप अगर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक पेंटिकल के कार्ड की। और जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके कीवर्ड्स में जाएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कीवर्ड्स हैं टीम वर्क, कोलाबरेशन, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन, इनर वर्ल्ड, स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी मैजिकल कार्ड, आई शुड से। वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो, इन ऑल द टैरो डेक, दिस इज वन कार्ड वेयर यू नो फोर्सेज ऑफ ऑल थ्री यू नो कम टुगेदर एंड दे बिल्ड अप द फोर्थ वन। अगर हम देखें, एक माँ और बाप जो है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक बच्चा उसमें से आता है। तो बच्चा जो है वो थर्ड एलिमेंट है, और उसके अंदर जो है एक फोर्थ एलिमेंट उसका भी, उसका खुद का एक क्रिएट हो रहा है। थर्ड जो बच्चा है उसके अंदर जो है आधी ऊर्जा जो है पिता की है, आधी ऊर्जा जो है माँ की है, और इसको मिला के जो है एक बच्चा जो है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन माता और पिता की ऊर्जा से ये बच्चा क्रिएट हुआ, उसके बावजूद भी देर इज़ अनदर पर्सनैलिटी, देर इज़ अनदर इंडिविजुअलिटी विच हैज़ कम इन टू प्ले, एंड दैट इज़ द फोर्थ डायमेंशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। एंड वॉट इज़ फोर्थ डायमेंशन? फोर्थ डायमेंशन इज गॉड हिमसेल्फ। फोर्थ डायमेंशन इज द क्रिएशन ऑफ दिस एनर्जी विच इज़ ऑल अराउंड यू। सो दैट इज द ब्यूटी, that is the creation of the world. And mostly what we talk about and mostly what we know is like the three-dimensional world, but this is the fourth dimension, and without the fourth all three are incomplete. So card ke agar pictorial mein jayenge to hum dekhte hain ki ek church ki setting dikhai gayi hai, and there is an artist who is working on sculpture. There is a priest which is shown, and there is a helper which is also shown in the church, and all three have come together to build the church. इसमें जो पादरी है वो उसका जो है it's a kind of a plan which he has set, and because of that plan, you know, the artist is working on this plan, and the woman which is standing next to is holding the plan, which is helping, which is assisting the priest and the creator. So all three are helping each other to build a church. So there is a kind of an agreement which has come between all three. So this is very rare. Iski jo ek bahut ek beautiful aspect hai jiske bare mein main aap abhi thodi der mein aapse baat karunga, lekin usse pehle thoda sa aur is card ke bare mein baat karna chahunga. So three always represents that which comes forth from the dynamic interchange of opposites. That is more than either of the two itself. जब भी हम थ्री नंबर की बात करते हैं, वो बनता है, वो इंडिकेशन देता है हमें एक डायनेमिक इंटरचेंज की जो कि ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से वो फॉर्म हुआ है. सो समवेयर थ्री इज़ अ वेरी स्पेशल नंबर, एंड थ्री ऑल्सो स्टैंड फॉर ब्रह्मा विष्णु महेश. Three also stands for the trinity of the church. Three also stands for electron, proton and neutron. Three ka role bahut cheezon mein hai. Agar hum pyramid ki baat karenge usme bhi three ka role hai, and agar hum pyramid ko dekhenge, that is the most stable structure in the whole world. Chahe bhukamp aa jaye, chahe kuch bhi ho jaye, jo ek pyramid hai उसको आप कुछ नहीं कर सकते. उस वो इफ़ यू आर इनसाइड दैट पिरामिड यू आर टोटली सेफ.
और पिरामिड की ऊर्जा जो है अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है. पिरामिड की ऊर्जा जो है इट्स वेरी मिस्टिकल एंड मैजिकल. वंस यू आर इनसाइड इट सम हाउ द एनर्जी इनसाइड, इफ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग इनसाइड, द एनर्जी इनसाइड विल डबल इट्सेल्फ, विल ट्रिपल इट्सेल्फ. तो जो मेडिटेशन आप जैसे एक अपने कमरे में बैठ के करते हैं या फिर कहीं पर बैठ के करते हैं, अगर आप पिरामिड के अंदर कर रहे हैं तो सडनली उसका जो इफेक्ट है दैट विल बी 3 times more. दैट इज़ वॉट द पर्पज ऑफ द पिरामिड इज. तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं इस चर्च को बनाने में, और वो तीनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इसको बिल्डअप करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ द क्रिएटिविटी. रिमेंबर दैट दिस इज़ नोन एज द कार्ड ऑफ द क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो द कार्ड ऑफ द इंटरनल ग्रोथ. अगर हम इसको बाहर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आप इसको बाहर की तरफ से अगर कोई रीडिंग करना चाहेंगे कि अगर आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई और आपका सवाल है जो बाहर की दुनिया से रिलेटेड है, तो अगर थ्री ऑफ जब भी पेंटिकल्स आएगा वो हमें ये बताता है कि दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन, दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड देर आर फोर्सेज अराउंड, लाइक देर आर फोर्सेज विच हैव कम टूगेदर टू हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप, इन बिल्डिंग दैट लव इमोशंस विच यू हैव फॉर समवन. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इट सिंपली मीन्स यू आर expanding your business. There is a growth which is happening. There is a money which is like getting tripled at the moment. So this is also a very positive sign in that way. And finally, मैं इसके एक ऐसे aspect के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो कि शायद ही किसी ने बात करी हो, क्योंकि I don't know. मैं आपको एक दोस्तों एक ये बात बताना चाहूँगा कि जब मैं आपसे बात करता हूँ it's just I just allow myself to talk, and it's just these energies which comes, you know, inside me, which become part of me and which just let me speak. And there are mysteries, there are things, you know, which I speak jisko maine kuch plan nahi kara hota, and it just comes out of me. Bahut bari aisa hua hai ki jab main kuch video banane baitha hu aur pata bhi nahi chalta. And there are things which I am saying, और जिसके लिए मैं खुद सरप्राइज होना शुरू हो जाता हूँ कि oh my God, this card means this. और वो जो wisdom जो आती है, वो जो एक flow आता है energy का, that is something beyond. That just comes from somewhere, you know, I have no idea. All I do is I just become myself available. I make myself available, and the wisdom just flows out of me. तो ये बात करते करते अभी जो है इसी तरह की एक मैं आपको एक खुलासा करना चाहूँगा इस कार्ड के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स मैंने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, एंड ऑल आई सी इज़ दैट इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग. जो कार्ड के शुरू में मैंने ये आपसे बात करी थी कि दिस इज़ अ वेरी मैजिकल कार्ड, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल दी 78 कार्ड दिस इज़ वन वेरी वेरी स्पेशल कार्ड, बिकॉज 3 forces आर कमिंग टूगेदर टू मेक द 4th one. तो अब आप इसको समझिए, अब जो 3 forces जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 3 forces हैं कप्स की, शॉर्ट्स की और वॉन्ट की. और ये पहली बार हुआ है कि ये 3 energies जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं 3 of Pentacles में. पेंटिकल के कार्ड में 3 energies हैं, शॉर्ट की, वॉन्ट की, कप्स की. जो आप ये जो देखते हैं आर्टिस्ट जो काम कर रहा है, ये आर्टिस्ट की जो ऊर्जा है जो जिसको हम जोड़ेंगे वो जुड़ेगी कप्स से, और कप्स को हम इंट्यूशन भी बोलते हैं, क्रिएटिविटी भी बोलते हैं. सो ही इज़ एट फुल फोर्स, ही इज़ लाइक क्रिएटिंग. अगर हम देखेंगे ये पादरी को, ये जो जो प्रीस्ट है जो शो कर रहा है, ये इसका प्लान है. दिस इज़ हिज प्लान ऑफ यू नो फिनिशिंग दिस, यू नो दिस ही हैज़ लेड इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ही हैज़ थॉट अबाउट दिस, एंड दिस इज सो यू नो वॉट दिस इज, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द सॉर्ड. And the sword stands for the thoughts, intellect and the mind. And this is the 3rd one, is the energy of cups, which is also there, which has come together. तो ये जो है ये woman की जो है symbolize करती है, और woman जो है उसमें यही show कर रही है कि like she has, you know, opened her heart. It's out of her love,
emotion, compassion, you know, like she wants to offer her help. She wants to go ahead and offer her services. And this is what is shown. So, the combination of the sword, cups, and so this is the energy of cups, wands, and swords. All together, all they have come together to build up the church. And what is the role of pentacle here? Pentacle is the money, pentacle is the stability, pentacle is the force which is letting the church build. So when we talk about our life, when we talk about that church, this church, it will be built with all these four forces together. The forces of all these swords together. And once these forces are together, man is complete, church is complete. And what it is pointing towards? It is pointing towards the completion of your temple, the temple which is inside of you. You have all these four elements inside of you. And once you complete all these four elements, if they are all in balance, so जब भी आपकी reading में three of pentacles आ रहा है, वो यही indicate कर रहा है कि that you are at a very beautiful stage in your life, and right now you have all the forces which are available with you, the forces of pentacles, swords, cups, and wands. They have all come together to help you out, to build up the kind of a life which you are expecting. So this is a very beautiful time for growth. इससे पीछे मत हटिएगा. जब भी ये कार्ड आए आपको जो है, इट्स लाइक यू आर ब्लेस्ड, यू हैव बीन टेकन केयर. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर थ्री ऑफ पेंटिकल्स. आई होप यू एंजॉयड माई रीडिंग फॉर दिस कार्ड, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.